हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो चलिए गाइस, हम एक्सेल पर चलते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये हमारा स्टाइल्स ब्लॉक कंप्लीट किया था, और उससे पहले हम होम टैब के क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर सभी ब्लॉक्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम होम टैब के ये सेल्स और एडिटिंग दो ब्लॉक कंप्लीट करेंगे। आज हमारा होम टैब कंप्लीट हो जाएगा, आप उसके बाद सारी वीडियोज देख सकते हैं और उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेल्स। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन है इंसर्ट का। तो इंसर्ट का मतलब होता है कुछ इंसर्ट करना, कुछ लाना डॉक्यूमेंट में। तो देखिए यहाँ पर, अब मान लीजिए मेरे पास ये साइंस लिखा हुआ है। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर किसी एक स्टूडेंट का जो मार्क्स थे वो मैंने ऊपर नीचे कर दिए, और ये सब मेरे को नीचे लेकर जाने हैं। तो मैं क्या करूँगी, इंसर्ट पर जाकर इंसर्ट सेल। मान लीजिए मुझे 30 जो है, ये देखिए आप देख सकते हैं 30 जो मार्क्स हैं वो पायल के हैं, और मुझे वो पलक को देने थे मान लीजिए। तो मैं क्या करूँगी, शिफ्ट सेल डाउन पर करूँगी, क्योंकि मुझे ये मार्क्स नीचे लेकर जाने हैं, नीचे शिफ्ट करने हैं। अगर आपको राइट पे करने हैं तो राइट पर क्लिक कीजिए, रो, आपको पूरी रो करनी है, जो भी करना है आपको, आप उस पर क्लिक कीजिए। तो मैंने ओके किया, और देखिए ये 30 से लेके पूरी सीरीज नीचे शिफ्ट हो गई, और हमारे पास बीच में एक सेल आ गया, हम उसे नंबर दे सकते हैं जो भी उसके नंबर हो। तो अभी मैं कंट्रोल जेड कर देती हूँ, ये इस टाइप से हम सेल इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट शीट रो। मान लीजिए कभी आपका कोई स्टूडेंट रह गया, आपने उसको नहीं डाला मार्कशीट में, तो आप क्या करेंगे, बीच में आपको नीचे वाले सब डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो रोल नंबर बीच में चाहिए तो आप जस्ट इंसर्ट शीट रो, जहाँ आपको चाहिए वहाँ कर्सर रखकर और शीट रो इंसर्ट कीजिए। तो ये देखिए एक रो आ गई। अब मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट के बारे में लिख सकती हूँ, जैसे ये देखिए इस टाइप से। मान लीजिए मुझे यहाँ कोई स्टूडेंट का नाम लिखना है, तो ये मैं उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकती हूँ। अभी मैं कंट्रोल जेड करके इसे वापस कर रही हूँ, तो ये हम वापस आ गए। उसके बाद है हमारे पास इंसर्ट शीट कॉलम। तो मान लीजिए कभी आपने बीच में सीरियल नंबर नहीं दिया या फादर नेम नहीं दिया, और अब आप सोच रहे हैं कि पूरी टेबल डिलीट करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। आप कॉलम भी बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे हिंदी ये वाली, इस कॉलम से पहले मुझे एक कॉलम चाहिए थी, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ कॉलम आ गई। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के फादर नेम या जो भी आपको डालना है आप वो डाल सकते हैं, या बाय चांस आपको टोटल से पहले ग्रेड चाहिए था, कुछ भी ऐसा आपको चाहिए तो आप एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। हम इसे कंट्रोल जेड कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इसी के अंदर इंसर्ट शीट। हम अभी देखिए नीचे मेरे पास दो शीट है, 1 और 2। अगर मैं इंसर्ट शीट करूँगी तो एक और शीट आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ये देखिए। तो हमारे पास 3 भी आ गई। हम शीट यहाँ पे ये प्लस का साइन है, जो प्लस का मार्क, इस पर क्लिक करके भी हम शीट इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए 4 आ गई। तो ये इस टाइप से हम शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट में हमारे पास 4 ऑप्शन थे, सेल, रो, कॉलम और शीट का। तो इस टाइप से हम इन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डिलीट। ये जो सेम हमने 4 ऑप्शन अप्लाई किए, यही सेम हमारे पास डिलीट के भी हैं। मान लीजिए मुझे ये 74 वाला मार्क नहीं चाहिए था, मुझे ये सेल डिलीट करना है, डिलीट सेल वो पूछ रहा है। शिफ्ट कहाँ करना है, ऊपर करना है। मान लीजिए मुझे ये सीरीज गलत हो गई मेरी, कि मुझे 74 नहीं चाहिए था, जो नीचे वाली सीरीज है वो ऊपर होनी चाहिए थी, और नीचे किसी और का लास्ट का कुछ और मार्क्स हैं। तो मैं शिफ्ट सेल अप और ओके करूँगी, तो ये देखिए ऊपर हो गए। अब नीचे वाले के जो मार्क हैं वो मैं दे दूँगी। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके मैंने इसे अंडू कर लिया। उसके बाद है शीट रो डिलीट करनी है। मान लीजिए ये जो स्नेहा स्टूडेंट है, इसे नहीं लेना था मुझे, तो मैं क्या करूँगी, डिलीट शीट रो। तो ये देखिए स्नेहा यहाँ से चली गई। कंट्रोल जेड करेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डिलीट शीट कॉलम। मान लीजिए मुझे साइंस के मार्क्स नहीं चाहिए थे, तो मैं डिलीट शीट कॉलम करूँगी। तो ये देखिए साइंस के मार्क्स चले गए, और टोटल पर हमने फॉर्मूला लगाया हुआ था लास्ट, आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो देखिए टोटल में भी हमारे चेंजेस हो गए अपने आप, साइंस के मार्क्स घटते ही। तो इस टाइप से हम ये कर सकते हैं। कंट्रोल जेड किया मैंने। उसके बाद हमारे पास है डिलीट शीट। तो हम पूरी शीट डिलीट कर सकते हैं। देखिए यू कैन कांट अनडू डिलीटिंग शीट्स एंड यू, तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं, और हम लेकिन इसे हम अनडू भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम इसे डिलीट नहीं करेंगे, हमें इस पर काम करना है। आप जस्ट ओके करेंगे तो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद ही हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट का। तो देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए मुझे ये जो जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये एक सेल मुझे फॉर्मेट करना था, मुझे इसकी हाइट रो की बढ़ानी थी या कम ज़्यादा करनी थी, जो भी आप करना चाहें। तो मैं इस टाइप से यहाँ पर रो हाइट 15 की जगह पर मैं 25 दूंगी, ओके। तो ये देखिए मेरी स्नेहा वाले रो की हाइट बढ़ गई। अगर मैं यहाँ फॉर्मेट में आकर ऑटो फिट करती हूँ, तो ये देखिए ये अपने आप पहले जितनी हो गई। हमें मान लीजिए कई बार हम बढ़ा देते हैं और हमें एक्चुअल जो डिफ़ॉल्ट वाला होता है नंबर वो याद नहीं होता है, तो आप ऑटो फिट कर सकते हैं, पहले जैसी हो जाएगी।
नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम विड्थ, हम कॉलम विड्थ बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ 8.43 की जगह 15 कर देती हूँ, तो ये देखिए। बट इसमें जब आप ऑटो फिट करेंगे तो ये जो हमारा कंटेंट है उसके ऑटो फिट हो जाएगी, ये देखिए। इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है डिफॉल्ट विड्थ का भी, ये देखिए हमें पूछ रहा है 8.3 करनी है, बट ये तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है हाइड एंड अनहाइड का। मान लीजिए कोई रो हमें हाइड करनी है, हम नहीं चाहते वो डॉक्यूमेंट में दिखे बट हम चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट में रहे, तो हम क्या करेंगे, हम हाइड रो करेंगे। और ये देखिए एक स्नेहा जो स्टूडेंट थी वो हाइड हो गई। अगर हमें इसे अनहाइड करना है तो हमें यहीं क्लिक करके यहाँ पर, और ये अनहाइड का ऑप्शन है अनहाइड रो। मान लीजिए मुझे ये टोटल वाली कॉलम हाइड करनी है, मैं नहीं चाहती कि सब टोटल देखें बट हो शीट में, तो हम क्या करेंगे हाइड कॉलम, तो ये देखिए हाइड हो गई। अब मैं इसे अनहाइड करूँगी तो ये वापस आ जाएगी। आप पूरी शीट भी हाइड कर सकते हैं, ये देखिए हाइड शीट, तो ये देखिए चली गई यहाँ से टू शीट, टू नंबर नंबर टू शीट यहाँ से चली गई। अब मैं फिर से यहाँ पर आकर अनहाइड पर और ये अनहाइड शीट करूँगी तब मेरी शीट आएगी। पूछ रहा है कौन सी शीट, टू, ओके किया तो ये देखिए आ गई। उसके बाद रीनेम शीट, ये देखिए नीचे जैसे ही मैंने रीनेम पर क्लिक किया शीट टू की जगह पर कर्सर आ गया। तो अब मैं यहाँ पर मान लीजिए मुझे लिखना है स्टूडेंट्स मार्कशीट, ओके किया तो ये देखिए अब इसका नाम यही हो गया स्टूडेंट्स मार्कशीट, क्लियर। तो इस टाइप से आप शीट को रीनेम भी कर सकते हैं। उसके बाद मूव और कॉपी शीट, आप शीट को कॉपी और मूव कर सकते हैं यहाँ से, जो भी आपको करने हो आप ओके करेंगे तो वो शीट कॉपी हो जाती है। उसके बाद टैब कलर, जो ये हमारी शीट है हम इसे टैब का कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं जो भी कर रही हूँ वही शेड हो रहा है, ये देखिए हल्का हल्का शेडिंग आएगा जस्ट, तो हम इस टाइप से कलर कर सकते हैं। उसके बाद प्रोटेक्ट शीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है गाइस। अगर मान लीजिए कभी आपने कोई अपना बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बनाया है कुछ और आप चाहते, और जो आपका पीसी है वो आपका पर्सनल नहीं है, वो आपके ऑफिस में है जिसे और भी लोग यूज़ करते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने डाटा को, अपनी शीट को या अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करके चले जाएंगे। प्रोटेक्ट, ये देखिए यहाँ पर जस्ट हमें पासवर्ड देना है 123, मैं रैंडम दे देती हूँ, ओके करेंगे तो वो एक बार री एंटर करने के लिए बोलेगा, ओके करेंगे तो अब देखिए क्या होगा। मैंने यहाँ कर्सर रखा और मैं प्रेस कर रही हूँ बटन, तो ये देखिए क्या आ रहा है कि टू सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट, कि जहाँ पर आप ट्राई कर रहे हो वो एक प्रोटेक्टेड शीट है। टू मेक चेंजेस क्लिक अनप्रोटेक्ट, अगर आपको चेंजेस करने हैं तो अनप्रोटेक्ट पर क्लिक कीजिए। इन द रिव्यू टैब यू माइट नीड अ पासवर्ड, आपको एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम इस शीट में कहीं पर भी, ये देखिए इधर भी नहीं हम चेंज कर सकते, हम कहीं भी चेंज नहीं कर सकते। तो जिसको आपका पासवर्ड पता होगा सिर्फ वही चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी शीट को सिर्फ देख सकते हैं लोग बट चेंज नहीं कर सकते। आप देखिए ऊपर के सारे ये टैब्स भी चले गए हैं। तो इस टाइप से आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास अनप्रोटेक्ट शीट हो जाएगा प्रोटेक्ट की जगह, तो ये देखिए मैं यहाँ पासवर्ड डाला मैंने 123, अब मैं चेंज करूँगी तो ये देखिए चेंज हो रहा है, ये देखिए क्लियर। तो मैं इसे कंट्रोल जेड, उसके बाद हमारे पास इसमें ऑप्शन है लॉक सेल, हम एक सेल को भी लॉक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने शीट प्रोटेक्ट की हुई है और फिर मैं किसी सेल को लॉक कर दूँ तो वो सेल पर हम चेंजेस कर सकते हैं। देखिए मैंने सेल लॉक कर दिया तो हम इस सेल पर चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट सेल, ये पूरा ब्लॉक का फॉर्मेट का मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये देखिए यहाँ पर फॉन्ट ब्लॉक, ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये हम फॉर्मेट पर गए, ये देखिए ये सारे टैब्स मैं आपको समझा चुकी हूँ लास्ट वीडियोज़ में, तो आप वो देख सकते हैं जाकर। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑटो सम, मान लीजिए कभी आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, आप खुद लिख कर नहीं लगाना चाहते तो आपको क्या करना है, सम पर क्लिक करना है, तो ये देखिए सम हो जाएगा अपने आप। अगर आप यहाँ पर एवरेज पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एवरेज निकल आएगी। आप यहाँ काउंट नंबर्स पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए काउंट नंबर्स निकल आएंगे, एक सेकेंड, तो ये देखिए मतलब जहाँ भी आप क्लिक करेंगे आपका वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए ऑप्शन है ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज की, सबसे बड़ा कौन है छोटा कौन है, मैक्सिमम मिनिमम सॉरी। उसके बाद ऑप्शन है मोर फंक्शंस, तो ये देखिए यहाँ पर उस वहाँ पर सिर्फ चार पांच थे, यहाँ अंदर बहुत सारे हैं, तो आप इनमें से भी कोई अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। तो ये हमारा फॉर्मूला के लिए था। उसके बाद ये ऑप्शन है नीचे फिल, यहाँ से क्या होगा जो आपने लिखा हुआ है उसी का कुछ सेम या नेक्स्ट डिजिट आपका फिल हो जाएगा, डाउन राइट अप लेफ्ट, आपको जहाँ भी चाहिए डाउन चाहिए, तो ये देखिए इसी की नेक्स्ट एवरेज की नेक्स्ट फिल हो गई। तो इस टाइप से आप ये ऑप्शंस कर सकते हैं, इसे आप राइट भी ले सकते हैं, मान लीजिए आपका राइट कर्सर है तो इस टाइप से आप राइट लेफ्ट ले सकते हैं, तो ये देखिए आ गई, तो इस टाइप से आप ले सकते हैं इन्हें।
उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है क्लियर का, हमें कुछ क्लियर करना है। मान लीजिए मुझे ये सारा नीचे वाला डेटा क्लियर करना है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्लियर ऑल करूँगी। ये देखिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट, बट हमें फॉर्मेट के लिए हमें कुछ फॉर्मेटिंग लगानी पड़ेगी, हमें टेबल वाली डिलीट नहीं करनी है। ये देखिए मैंने ये फॉर्मेटिंग लगा ली, मैं इसमें अब कुछ लिख लेती हूँ। मैंने फॉर्मेटिंग तो लगा ली, तो ये मैंने इसमें कुछ लिख लिया। अब मैं जो मैंने ये लिखा है इसे भी मैं रेड कलर कर देती हूँ। अब देखते हैं, हम अपनी फॉर्मेटिंग हटाते हैं, हमने क्लियर पर क्लिक किया और क्लियर फॉर्मेट्स, तो ये देखिए रेड कलर भी चला गया लेटर्स का और येलो वाला कलर भी चला गया, बैकग्राउंड सब कलर्स चले गए, सिर्फ हमारा सिंपल टेक्स्ट रह गया। अगर कभी आपने अपने डॉक्यूमेंट में बहुत सारी फॉर्मेटिंग लगाई हुई है तो आप डायरेक्ट सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिएगा। उसके बाद क्लियर कंटेंट्स है, कमेंट्स है, हाइपरलिंक, अगर आपने हाइपरलिंक्स लगाए हुए हैं, कमेंट्स लगाए हुए हैं, आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ए टू जेड सॉर्टिंग, तो ये देखिए अभी मेरे पास यहाँ नेम्स लिखे हुए हैं या ऊपर नीचे हैं, तो अगर मान लीजिए मुझे इन्हें ए टू जेड असेंडिंग ऑर्डर में मुझे इन्हें सॉर्ट करना है कि सबसे पहले ए नाम वाले आए फिर बी नाम वाले, इस टाइप से जैसे हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में होता है, ए टू जेड किया और ओके, तो ये देखिए सबसे ऊपर काजल आ गई ऑटोमेटिकली, फिर नेहा, पलक, पायल, इस टाइप से हो गया रेंज। अगर हमें इसे जेड टू ए करना है तो हम ओके करेंगे, तो अब देखिए सबसे ऊपर एस वाले आ गए, फिर आर वाले, फिर पी वाले, तो इस टाइप से आप ये ए टू जेड कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट आप कर सकते हैं, और ऑप्शंस हैं आपके पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फिल्टर, हम फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इन्हें फिल्टर लगाना है कि मैं इन्हें अपनी मर्जी से सॉर्ट कर सकूं, तो ये देखिए अब हमारे पास मान लीजिए मुझे नेम वाला फिल्टर खोला, मुझे मान लीजिए सिलेक्ट ऑल हटा दी और मुझे पायल के मार्क्स चाहिए जस्ट, तो ये देखिए सिर्फ पायल के मार्क्स आ गए, तो ये फिल्टर का यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ से आप क्लियर फिल्टरिंग कर सकते हैं, जो भी आपने फिल्टर किया है वो आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए तो ये हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन थे। उसके बाद है हमारे पास फाइंड, हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए मुझे बहुत सारे 100-200 इंप्लॉयज़ में या स्टूडेंट्स में मुझे एक स्टूडेंट ढूंढना है, तो मैं उसका नाम जस्ट टाइप करूँगी या रोल नंबर और वो ढूंढ दिए, देखिए और कर्सर वहाँ पहुँच जाएगा। मैं इसमें सीमा लिखती हूँ मान लीजिए, तो मेरा कर्सर सीमा पर पहुँच जाएगा, ये देखिए सीमा सेकंड वाले पर पहुंच गया, तो ये फाइंडिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रिप्लेस, मान लीजिए मुझे सीमा की जगह पर मैंने गलत नाम दे दिया, सीमा की जगह पर मुझे देना था सीमा की जगह पर मुझे शीला देना था, तो मैं रिप्लेस करूंगी, तो ये देखिए सीमा की जगह पर शीला हो गया, तो इस टाइप से आप रिप्लेस भी कर सकते हैं इन्हें। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है गो टू, मान लीजिए आपको बहुत बड़े पेज में कहीं पर जाना है तो आप जस्ट रेफरेंस लिखिए, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पर D4, तो मैं D4 पर पहुँच जाऊँगी, ये देखिए DK4 पर पहुँच गई मैं, तो इस टाइप से आप गो टू कर सकते हैं। गो टू स्पेशल, आपको किसी स्पेशल चीज़ पर जाना है, जैसे कमेंट्स पर, फॉर्मूलाज पर जाना है मान लीजिए मुझे, तो ये देखिए फॉर्मूलाज पर आ गई मैं, जहाँ फॉर्मूला थे। उसके बाद यहाँ से भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला पर जा सकते हैं, कमेंट्स पर जा सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जा सकते हैं। अभी हमने कोई लगाई नहीं हुई है, हमने यहाँ पर अप्लाई की थी थोड़ी सी, तो ये देखिए मैटर डिलीट करने के बाद भी वो सिलेक्ट कर रहा है उस एरिया को, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होता तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता। तो ये हमारे पास ये दोनों ब्लॉक थे, सेल्स और एडिटिंग, आज हमने ये कम्प्लीट कर लिए हैं। आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा और कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहेंगे। सो गाइस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।